भाजपा पार्षद का गोली लगा सब कार से बरामद, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, मेरठ में आज ऐसी ही वारदात सामने आई है। वार्ड नंबर 40 के पार्षद मनीष उर्फ मिंटू का गोली लगा शव उसकी गाड़ी से मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा भी बरामद किया है। थाना कंकड़खेड़ा के पालवी खास रेलवे स्टेशन के पास आज वार्ड नंबर 40 से भाजपा पार्षद मनीष उर्फ मिंटू का शव उसकी गाड़ी से मिला है। पास एक तमंचा भी मिला है। पुलिस ने बताया कि बुधवार देर रात करीब 1 बजे मिंटू ने अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी, जिसमें उसने खुद को जिंदगी से हारने की बात भी कही थी। पुलिस ने आत्महत्या की तरफ इशारा करते हुए जांच कर रही है, जबकि पीड़ित परिवार इस मामले को हत्या होना बता रहा है। बता दें कि 3 साल पहले पार्षद मनीष उर्फ मिंटू के होटल में दरोगा के साथ एक युवती आई थी। इस दौरान दरोगा और पार्षद के बीच विवाद हो गया था। मनीष ने दरोगा को थप्पड़ मार दिया था, जिसके कारण मनीष को जेल भी जाना पड़ा था। बताया गया है कि मनीष कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल की करीबी थे। मनीष की हत्या की जानकारी लगते ही भाजपा विधायक सहित उनके कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर जांच की है। उधर एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि अभी सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। प्राथमिक जांच पे मामला आत्महत्या का लग रहा है।